आपकी हाइट कम है, आप पढ़ाई में भी कमजोर हैं और आपसे रनिंग भी नहीं हो पा रही है, लेकिन आप फौज में जाना चाहते हैं, तो अब आपका ये सपना साकार हो सकता है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो वैकेंसी बढ़ाई गई है उसके अंदर आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी कि सुनहरा मौका मिला है, तो इसी के ऊपर पूरा बात करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार से चैनल प्यार बरसाते रहें। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में 4 पदों पर और वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी कुल संख्या 148 यानी 148 पदों पर भर्ती है। इसकी पे स्केल की अगर बात करें तो 21,700 से 69,100 है। कांस्टेबल दफ्तरी के टोटल 80 पद हैं, कांस्टेबल पियोन के 52 पद हैं, कांस्टेबल फेरस के 7 और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल के 9 पद। इसी तरह से ये कुल मिलाकर 148 होते हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि आपके एज के अंदर भी आपको जो छूट है इसमें दी गई है। तो दोस्तों अब जैसे कि आपका पीएसटीसी के अंदर हम देखते हैं कि नॉर्मल कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट 165 और चेस्ट 77 से और फुलाने पर 82। अगर आप किसी हिल इलाके या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा जिन्हें छूट प्रदान की जाती है अगर उस क्षेत्र से हैं तो आपको 162.5 और चेस्ट वही 77 से 82। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर आप कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप नॉर्मल के लिए 155 और अगर किसी ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर आपको हाइट की छूट दी जाती है तो वहां पर 150 सेंटीमीटर है। अभी आपसे बात करना चाहूँगा इसकी पीईटी। ये तो हो गया पीएसटी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इसके अंदर आपको भाग दौड़ भी है पर वो भी बहुत कम है, जिसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखिए आपको 1 माइल की रनिंग करनी है मात्र 10 मिनट में और फीमेल को 1 माइल की रनिंग करनी है सिर्फ मात्र 12 मिनट में। तो आप इजीली इसको क्लियर कर आप मेंबर ऑफ द फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और अपना भविष्य और आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी जोगेंद्र कमांडो पे डीएम कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई दूंगा। जय हिंद, जय भारत।